नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। चुनाव के बाद खाद्य सामग्री से लेकर भवन निर्माण तक की वस्तुओं पर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं यानी आज 1 अप्रैल से आपको इन जगहों पर अधिक कीमतें चुकानी होंगी। साथ ही आज से कुछ नियम कायदे भी चेंज होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पानी और बिजली महंगा होगा। चुनाव में फ्री का अहम मुद्दा बना बिजली पानी अब आम जनता की जेब में ही डाका डाल रही है। दरअसल आज से राज्य में पानी और बिजली के पहले से अधिक रेट चुकाने होंगे। वहीं पानी के बिल में हर महीने 14 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं राज्य में बिजली की दरों में 2.68% की वृद्धि हुई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है। बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। हर महीने की तरह अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। इन दिनों पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि देखी जा सकती है। केंद्र सरकार आज से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक EPF खाते में 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री होगा। अगर आप इससे अधिक EPF में योगदान देते हैं तो आने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। आज से एक्सिस बैंक और PNB के नियमों में भी बदलाव होगा। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के लिए सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPS को लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख व उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ डिजिटल पेमेंट होगा। अभी आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसे भौतिक तरीकों से पेमेंट कर लेते थे, लेकिन अब अगले वित्त वर्ष में यह सिस्टम खत्म हो जाएगा। महंगी होंगी दवाएं। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने करीब 800 दवाओं के रिटेल प्राइस में बदलाव करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पैरासिटामोल समेत करीब 800 जरूरी दवाओं के दाम 10% से अधिक बढ़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EE के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए तक आयकर लाभ देने की घोषणा की थी। वर्ष 2020-21 में इस सुविधा को बढ़ा दिया गया, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट में अगले 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया गया है। ऐसे में घर खरीदने वालों को वर्ष 2022-23 में ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए COVID-19 महामारी के दौरान SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक समेत स्पेशल FD योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को FD पर ज्यादा फायदा मिल रहा था। हालांकि अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकते हैं। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम को HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD योजना की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की। ऐसे में माना जा रहा है कि ये 2 बैंक स्पेशल FD प्लान को बंद कर सकते हैं। वायरलेस ईयरबड्स होंगे महंगे। अगर आप वायरलेस ईयरबड्स पसंद करते हैं तो यह जानकारी आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस साल के बजट में वायरलेस ईयरबड्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है, जिससे कि 1 अप्रैल से ईयरबड्स भी महंगे होंगे। ई चालान का बदला नियम। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GST के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा को 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।